हाय फ्रेंड्स, मैं गुलाब। आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूँ जो आप इंट्राडे में कर सकते हैं और इतना अच्छा है, आपको सेफ्टी के साथ में अच्छा खासा डेली 2 से 3% तक का प्रॉफिट है ना सेफली मिलेगा। और एसएल की बात रही, एसएल तो आपको बहुत ज़्यादा छोटा होगा, आपको देख के ना इतना शॉक हो जाएगा। अब देखिए, तो अभी देखें, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी एक बार डिप्लॉय कर देता हूँ। तो स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करने से पहले, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को अगर नहीं यहाँ पर ज्वाइन किए टेलीग्राम चैनल पर, तो यहाँ पर एक बार टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, गुलाब टेक ऑफिशियल, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप अभी तक अगर मेरे जो स्ट्रैटेजी यहाँ पर 1 साल 2 साल 1.5 साल 3 साल का मैंने यहाँ पे बैक टेस्ट करके एक्सेल शीट के साथ में पूरा डेटा के साथ में मैंने अपडेट किया हुआ है। बहुत सारे यहाँ पे इंट्राडे वीकली मंथली स्ट्रैटेजी, इस प्लेलिस्ट को है ना मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ, आप एक बार वहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं सर। उसके अलावा यहाँ पे आयरन कॉन्डर जो मैं खुद रियल मनी से जो ट्रेड करता हूँ, डे वन से लेकर टिल डे एग्जिट तक जो मेरा पोजीशन रहता है वो भी पब्लिक रहता है, वो भी सारा पूरा फुल सीरीज यहाँ पे अवेलेबल है, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप इसको भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो चलिए फिर मैं अभी वीडियो पे आता हूँ वापस। यहाँ पे देखिए, तो नॉर्मली हमें यहाँ पे करना क्या है, ये आपको डायरेक्शनल ट्रेड लेना है। डायरेक्शनल ट्रेड का मतलब है, मान के चलिए आपको है ना अभी यहाँ पे ना, मान के चलिए यहाँ से आपको प्राइस एक्शन बन रहा है और यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो आपको अगर एंट्री करना है तो यहाँ पे आपको एंट्री करके ना यहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट कर देना है। और ये जो छोटा स्टॉप लॉस है ना, ये छोटा स्टॉप लॉस आपको लॉस कितना देगा बताइए, बिल्कुल 0.1% 0.2% भी आपको लॉस नहीं देगा, ये एकदम मतलब ऑलमोस्ट जीरो लॉस रहेगा, ऑलमोस्ट जीरो लॉस रहेगा। अगर आप थोड़ी देर रुक जाते हैं, 150 पॉइंट लेते हैं, तो आपका प्रॉफिट है ना 1% से लेके 2% डेली के होने का चांस है ना बहुत ज़्यादा हाई है। बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी है, बहुत नीट क्लीन है। तो अभी देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे डिप्लॉय करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे अभी ऑप्स्ट्रा पे आ रहा हूँ, ऑप्स्ट्रा पे नहीं, यहाँ पे सिमुलेटर पे आ गया मैं स्टॉक मार्केट के। तो अभी बिल्डर पे आ गया मैं, ओके। तो देखिए यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, जो नेक्स्ट एक्सपायरी है यहाँ पे देखिए, अभी तो संडे है, आज तो संडे है, आज 18 तारीख है, ओके। और करंट एक्सपायरी क्या है मेरे लिए, 22 अगस्त है अभी, ओके। और नेक्स्ट एक्सपायरी जो है 29 अगस्त है। तो अभी यहाँ पे मुझे करना क्या है मालूम, यहाँ 29 अगस्त को है ना, यहाँ पे 200 पॉइंट दूर का जाके मैं अभी सेल करने वाला हूँ, और करेंट एक्सपायरी में ना बाइंग 300 पॉइंट दूर जाके मैं यहाँ पे बाई करूँगा, ओके। देखिए अभी सिंपल मैं अभी आपको बताता हूँ एक बार यहाँ पे करके। तो अभी इस नेक्स्ट एक्सपायरी पे लेता हूँ, और एटीएम से है ना, एटीएम से मैं अभी यहाँ पे 200 पॉइंट दूर जाके बाई करता हूँ। देखिए आज तो फ्राइडे है, अभी मान के चलिए अगर आप मंडे के दिन डिप्लॉय कर रहे हैं, तो आप ये जो 200 पॉइंट जो ले रहे हैं ना, ये आप 150 कीजिए। मान के चलिए ट्यूजडे जाते हैं फिर, तो 100 पॉइंट कीजिए, ठीक है। तो मतलब थोड़ा आपको, अगर मान के चलिए एक्सपायरी के दिन है, तो वहाँ पे हो सके आपको 50 पॉइंट का ही डिस्टेंस वहाँ पे मेंटेन करना पड़े। मगर आपको पे ऑफ चार्ट के कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ, जिसकी वजह से आप है ना यहाँ पे फ्रीली आप अपने आप को सेलेक्ट कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे एटीएम से मैंने क्या किया, 200 पॉइंट दूर का यहाँ पे मैंने कॉल यहाँ पे सेल किया, 200 पॉइंट एटीएम से है ना, एटीएम से 200 पॉइंट दूर का मैंने यहाँ पे कॉल सेल किया, और 200 पॉइंट दूर मैंने यहाँ पे पुट भी सेल किया, आप देख सकते हैं, राइट। एटीएम से मैंने 200 पॉइंट दूर सेल किया। तो अभी ये क्या है, ये है एक्चुअली ये नेक्स्ट एक्सपायरी का 29th एक्सपायरी का। अभी मुझे करंट एक्सपायरी है ना 22 एक्सपायरी पे, यहाँ पे मुझे अभी बाइंग करना है। तो मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ, अभी 300 पॉइंट दूर जाके अभी यहाँ पे बाई करता हूँ। देखिए इतना क्लियर है, मैं बताता हूँ आपको, 300 पॉइंट दूर मैंने यहाँ पे बाई किया, फिर यहाँ पे 300 पॉइंट दूर कॉल साइड भी मैंने बाई करता हूँ, मतलब दोनों साइड पुट एंड कॉल के साइड मैंने दोनों साइड मैंने बाई कर दिया। अभी देखिए, अभी तो पे ऑफ चार्ट रेडी हो गया, मगर अभी इसको इतना ही नहीं छोड़ना है, इसको और थोड़ा एडजस्ट करना है। और यहाँ पे फंड देखिए कितना लग रहा है, यहाँ पे 32,000 यहाँ पे लग रहा है। ये कब करना है पता है, अभी इतना डालने के बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है आपका। क्या इंपॉर्टेंट रोल है, देखिए पूरा वीडियो प्रॉपर देखिए, फिर बाद में ना ये वो कन्फ्यूजन हो कि आप कमेंट में सर ये कैसा करें वो कैसा करें आप सवाल पूछते रहेंगे। तो वीडियो को एक बार क्लियर देखिए, स्किप ना करते हुए, यहाँ से ना यहाँ तक तो नॉर्मल है। आप बेरिश मार्केट कीजिए या बुलिश मार्केट पे आप ट्रेड कीजिए, दोनों पे ना यहाँ तक आपका सेम रहेगा, सब पूरा यहाँ तक सेम रहेगा। यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपको एडजस्ट करना है। अगर आप मान के चलिए मार्केट आपका व्यू है मार्केट बुलिश है, तो यहाँ पे आपको ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है ना सर, ये बुलिश के लिए आपको एडजस्ट करना होगा।
अब मान के चलिए आपका व्यू बेरिश है, डाउनसाइड है, तो आपको ब्लू लेना ना, ये डाउनसाइड के लिए एडजस्ट करना होगा। अब ये कैसे करें मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको व्यू समझना होगा, जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए, अभी ये मान के चलिए मार्केट है ना, यहाँ से अभी फॉर एग्जांपल अभी यहाँ से ओके 9:15 यहाँ से स्टार्ट, तो मान के चलिए मार्केट है, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, तो जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे, एंट्री करके यहाँ पे इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखोगे, तो इसका मतलब यहाँ से आपको डाउनसाइड जाना है। तो डाउनसाइड जाना है तो फिर यहाँ पे आपको एटीएम से 200 पॉइंट दूर जाके आपको नेक्स्ट एक्स पर सेल करना है, और एटीएम से 200 पॉइंट दूर जाके दोनों कॉल एंड पुट दोनों सेल करना है, और एटीएम से ना अब करंट एक्सपायर का आपको क्या करना है, 300 पॉइंट दूर जाके आपको बाई करना है, और 300 पॉइंट दूर जाके आपको यहाँ पे बाई करना है दोनों साइड पुट एंड कॉल साइड। यहाँ तक आपका सब पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। अभी यहाँ पे उसके बाद अभी है ना पे ऑफ चार्ट अभी बन गया, यहाँ पे आपको बेरिश या बुलिश है ना, यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है कि ब्लू लाइन को अभी आपको कैसे सेट करना है। अगर आपका व्यू बेरिश है तो बेरिश की साइड सेट करना है, अगर बुलिश है तो बुलिश की साइड सेट करना है। अभी सबसे पहले तो यहाँ पे तो बात आएगी व्यू, व्यू समझे कैसा। देखिए व्यू समझने के लिए आपको सिंपल है थोड़ा है ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर आपको व्यू अगर एग्जैक्टली अब यहाँ पे टॉप पे कैच करना है, आपको बॉटम पे यहाँ पे कैच करना है, आपको इमीडिएटली आपको कैच करना है, तो आप है ना यहाँ पे मेरे टेलीग्राम पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डाला हुआ इंट्राडे मिस्ट्री मेंटरशिप प्रोग्राम स्पेशल 100। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको टॉप पे एंट्री मिलेगी, टॉप पे आपको बॉटम पे एंट्री मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं बॉटम पे ही मैंने एंट्री यहाँ पे मेरा सेटअप जो है मैजिक सेटअप है बिल्कुल ही, आपको बॉटम पे एंट्री। व्यू है ना, आपको व्यू समझ में आएगा, देखिए व्यू यहाँ पे समझ में आएगा, आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे कितना बड़ा बड़ा मुंह, यहाँ पे टॉप पे एंट्री मिल जाता है और बॉटम पे यहाँ पे मैं एंट्री यहाँ पे कैच करके दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, स्टॉक्स में सारे में आपको यहाँ पे एकदम प्रॉपर है ना यहाँ पे व्यू आपको मिलेगा, मतलब आपको कहाँ पे एग्जैक्टली एंट्री मारना है, कहाँ पे एग्जैक्टली आपको एग्जिट मारना है, ये पूरा सेटअप आपको प्रॉपर 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ में आपको यहाँ पे मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त सेटअप है, मैजिक एक्चुअली टूल आप कह सकते हैं। तो व्यू देखिए, सबसे पहले ना व्यू समझना होगा, तभी तो ना आप ट्रेड यहाँ पे डालेंगे। अगर आपको व्यू पता नहीं है कि आपको टॉप से मतलब डाउनसाइड आपको एंट्री मारना है क्या अपसाइड एंट्री मारना है, तो अगर पता ही नहीं चला तो फिर कैसे मारेंगे आप एंट्री, राइट। तो जहां से आप एटीएम रहेगा तो आपको जहां पे ब्रेकआउट हो रहा है और वो पता चलना चाहिए ना कि मार्केट नीचे जाने वाला ऊपर जाने वाला, प्रॉपर एसएल भी होना चाहिए ना, अगर बिना एसएल का काम कैसे कर सकते हैं। अगर आप इसको जुड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा भी देखिए, मैं आयरन कॉन्डर पर ना मैं एकदम मास्टरी किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर महीना ओपन चैलेंजिंग के साथ मैंने यहाँ पे प्रॉफिट किया हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अभी अगस्त का भी है ना अच्छा खासा यहाँ पे 3.5-4% 4.5% यहाँ पे मेरा प्रॉफिट अभी अगस्त का मंथ का चल रहा है। आज संडे है इसीलिए बंद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगस्त मंथ का मेरा 400 पॉइंट्स का क्वांटिटी का मैंने यहाँ पे ट्रेड किया हुआ है, तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है अगस्त का भी। तो अगर आप इसको भी आयरन काउंटर को भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो लाइव सेशन यहाँ पे 3 महीने लाइव सेशन रहेगा रियल मनी के साथ में, 3 महीना में ओपन चैलेंजिंग के साथ में काम करके दिखाता हूँ। इसको भी आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, इंट्राडे और पोजिशनल दोनों भी यहाँ पे मेरे पास सेटअप एकदम अच्छे से सेटअप है, अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। चलिए मैं अभी मैंने यहाँ पे एडजस्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो अभी है ना, अभी मान के चलिए मैं आपको एडजस्ट करके दिखाता हूँ। अभी मान के चलिए अभी मैं यहाँ से ना मार्केट यहाँ पे मैं एक बार बुलिश बन के दिखाता हूँ, तो ठीक है। अभी एटीएम से ना यहाँ पे जहाँ पे मैंने एंट्री किया यहाँ से मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो अभी ये ब्लू लाइन है ना सर, ये ब्लू लाइन डाउन गया है, राइट। आप ब्लू लाइन देखिए डाउन गया, तो अभी इसको मैं थोड़ा अपसाइड लेता हूँ। बहुत सिंपल है, देखिए आपको क्या करना पता है, जो कॉल है ना, कॉल यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, जस्ट इसको माइनस पे क्लिक कीजिए, वो सीधा उठेगा। देखिए आप उठ रहा है ना, जो ब्लू लाइन पहले ऐसे था अब ऊपर आ गया, ऊपर ही लेना है ऐसा, ऊपर लेना है। तो एक 50 मिनट और इसको मैं माइनस कर देता हूँ। अभी बदली, अभी बताइए कितना एकदम परफेक्ट बैठ गया अभी, मतलब मार्केट अगर ऊपर गया, अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर गया तो प्रॉफिट, अगर मार्केट एसएल हिट के अगर रिवर्स होया तो 30-40 पॉइंट का एसएल रहता है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 40-50 पॉइंट का एसएल रहता है, उस वक्त तो आपको उतना ज़्यादा ह्यूज लॉस भी होगा नहीं, आप एग्जिट कर देना है उसको, सिंपल बहुत ईजी है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपको, कॉन्सेप्ट को समझिए आप। एसएल आपका, आपको जब एसएल हिट होता है तो आपको लॉस नहीं होगा, हो सकता है प्रॉफिट में एग्जिट करेंगे यहाँ पे, राइट। और हो सकता है अगर आप थोड़ा यहाँ पे रुक गए, मार्केट थोड़ा यहीं पे रुक गया, तो ये आपका पे ऑफ चार्ट पे ना धीरे 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 जो रेड बड़ा दिख रहा है ना, ये भी कम होते हुए दिखेगा। और लॉस भी देखिए ना सर कितना छोटा है यहाँ पे, ओनली 1429, और यहाँ पे देखिए 3400, राइट। तो 1:2 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ में ही मिल रहा है आपको। अगर मान के चलिए आपका व्यू है ना सर डाउनसाइड नहीं है, सॉरी अपसाइड नहीं डाउनसाइड है, तो सिंपल है, आपको जस्ट यहाँ पे बाइंग के, यहाँ पे पुट का बाइंग है ना, ये पुट का बाइंग, इसको आप थोड़ा मतलब एडजस्ट कीजिए। एडजस्ट मतलब क्या है, इसको मैं जस्ट माइनस करता हूँ तो देखिए डाउन जाता
जाता है, तो इसको प्लस करता हूँ तो अपर ऊपर आता है। देखिए मैं एक और प्लस करूँगा तो ये ऊपर आ गया, देखिए एक और प्लस किया तो पूरा ही ऊपर आ गया, राइट, एकदम पूरा ऊपर आ गया। मगर डाउन साइड के लिए भी आप देखिए, अपसाइड के लिए भी आपको रेड दिख रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं, जो यहाँ पे कॉल भाई है ना, इसको 50 पॉइंट माइनस कीजिए। देखिए अभी किसी भी साइड जाए आपको दोनों साइड है ना, यहाँ पे सडन अगर मोमेंट हो गया तो प्रॉफिट होगा, धीरे 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 अगर मार्केट जाता है तो, अगर धीरे धीरे मार्केट जाता है तो लॉस होता है, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको झुकाव किस साइड थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए, आप जब बेरिश ट्रेड बनाते हैं तो आपको बेरिश के साइड थोड़ा ज़्यादा ब्लू लाइन ऊपर रहना चाहिए। तो बस ये देखिए ब्लू लाइन अभी स्ट्रेट ऊपर हो गया, कितना इजी है, राइट, उतना मुश्किल नहीं है। आप देखिए स्टॉप लॉस में आपको देखिए यहाँ पे ब्लू लाइन कितना फ्लैट दिख रहा है, जो ब्लू लाइन फ्लैट दिख रहा है वो 10-20 पॉइंट 30 पॉइंट सर 30 पॉइंट में मार्केट रिवर्स होने से कितना लॉस होगा आपको बताइए, बहुत छोटा लॉस होगा आपको, बिल्कुल लॉस का ना के बराबर आपको लॉस होगा। वही अगर मार्केट अपने अगेन अपने जो जिस हिसाब से हम जो अपना व्यू था, अगर व्यू करेक्ट हो गया तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, आराम से सर 1% तो मिलना है सर, आराम से मिलता है, नॉर्मली 1-2% नॉर्मली मिल जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। वही है कि ना 40-50 पॉइंट ऊपर चले जाना चाहिए, बस आपको व्यू करेक्ट बनाना आना चाहिए। अगर व्यू अगर आपको बनाना आ गया ना, तो इस जो ये मैं सेटअप कह रहा हूँ ना सर, इस सेटअप से बहुत अच्छा पैसा बन सकता है सर, ठीक है। मैं खुद भी ये प्रैक्टिकली मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, अच्छा खासा मैंने इसको ट्रायल किया हुआ, इसीलिए मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ये एक्चुअली पेड स्ट्रैटेजी है, मैं आपको यहाँ पे अभी फ्री में बता रहा हूँ। देखिए सबसे मेन है ना, यहाँ पे व्यू करेक्ट होना चाहिए, एक बार व्यू करेक्ट हो गया तो यहाँ पे अच्छा खासा पैसा यहाँ पे छपेगा सर, ओके। तो चलिए फिर, अगर व्यू अगर आपको कैच करना है टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, तो आप मेरे यहाँ पे चैनल पे जुड़ सकते हैं सर, मेरे चैनल पे जुड़ सकते हैं, और यहाँ पे पूरा डिटेल में सिलेबस भी यहाँ पे दिया हूँ मैं, आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस भी दिया हूँ मैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और मेरे यहाँ पे वेबसाइट है, अब वेबसाइट पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे वेबसाइट पे भी आपको पूरा डिटेल मिलेगा सर। यहाँ पे व्हाट्सएप आइकॉन है, इस पे आप क्लिक कीजिए, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर पाओगे। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी क्लिक कीजिए, और यहाँ पे देखिए दोनों यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है, तो आप इस पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपको डिटेल सिलेबस भी यहाँ पे मिलेगा सर, ठीक है। तो चलिए फिर मैं वीडियो को खत्म करता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।